हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी महा ट्रांसको की तरफ से जानना के लिए अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2022 का नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी थी। उसी तरह महा ट्रांसको की तरफ से औरंगाबाद के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे सेम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई 2022-23 के लिए, लेकिन औरंगाबाद के लिए इसकी अप्लीकेशन की प्रोसेस भी आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। लास्ट डेट है 31 जनवरी 2022। एक साल का आपका ये अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग रहने वाला है। यहाँ पे उसके बाद में देखिए, आपको इस्टेब्लिशमेंट कोड दे रखा है जिसकी मदद से हम अप्रेंटिसशिप को सर्च करेंगे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए टोटल 40 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे 10th पास हो जिनका ITI इलेक्ट्रीशियन में कम्प्लीट है वो अप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लेते तो 18 से लेकर 38 साल तक का एज लिमिट दिया गया है। रिजर्व कैटेगरी को 5 साल तक का एज इलेक्ट्रीशियन दिया जाता है। आपका एज 31 जनवरी 2022 तक काउंट किया जाएगा। अभी हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे सिलेक्शन आपका मार्क्स के बेसिस पे होने वाला है। तो आपके 10th के और ITI के मार्क्स पर से आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स से जो मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी वो इस वेबसाइट पे आपको उसकी अपडेट मिलने वाली है। तो आप वेबसाइट अभी देख सकते हो, इसी के ऊपर आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी आपके रिजल्ट की। तो अगर अभी बात करते हैं अप्लीकेशन प्रोसेस की, तो यहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट कोड दिया गया है इसकी मदद से आपको अप्रेंटिसशिप को सर्च करना है। तो जैसे आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे, अप्लीकेशन करने की वेबसाइट है, यहाँ पर आने के बाद तुमको रजिस्ट्रेशन करना होगा। नहीं किया होगा अभी तक तो आपने, जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया था, आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। उसके बाद आपको अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद में जो औरंगाबाद का एस्टेब्लिशमेंट कोड है वो आपको सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम में पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो मैंने जैसे यहाँ से कॉपी किया और सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम में आपको पेस्ट कर देना है। तो आपके सामने देख सकते हो आप EHV ONM डिवीजन MSETCL औरंगाबाद, इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट नेम आ चुका है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखा नहीं रहा है। तो अभी आपने देखा, मैंने आज की डेट में चेक किया तो अभी कुछ है नहीं यहाँ पे। आपको करना है आगे आने वाले डेट्स में आपको चेक करते रहना है। तो इसका दूसरा तरीका क्या है, हमें इस्टेब्लिशमेंट कोड से मिला नहीं तो आपको करना है यहाँ पे सर्च लोकेशन में औरंगाबाद लिखना है। तो आप जैसे अभी औरंगाबाद लिख दोगे तो औरंगाबाद के लिए टोटल 278 अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे दिखा रहा है। तो इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, प्रेशियन ग्राइंडर, इस तरह से सभी ट्रेड के लिए। तो हमें इलेक्ट्रीशियन के लिए चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे हमें महा ट्रांसको के लिए चाहिए। उसमें भी आपको एस्टेब्लिशमेंट नेम पता है EHV ONM महा ट्रांसको का, तो वो यहाँ पे औरंगाबाद के लिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो ही हमें यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट के नेम से चेक किया तो आपको कुछ भी यहाँ पे मिल नहीं रहा है इलेक्ट्रीशियन के लिए। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सर्च कोर्स में इलेक्ट्रीशियन भी लिख सकते हो। तो आप जैसे आप इलेक्ट्रीशियन लिख दोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपको इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे आ चुका है, और इसी के बेसिस पे आपको इलेक्ट्रीशियन के सारे जो रहेंगे अपॉर्चुनिटीज वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो लेकिन हमें महा ट्रांसको का चाहिए। यदि महा ट्रांसको का मिलता है तो ही हम अप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे ये सभी अलग अलग नाम से दिखाई दे रहे हैं आपको, महा ट्रांसको का यहाँ पे है ही नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे महा ट्रांसको का, यानी कि जो EHV ONM था MSETCL का, वो हमें चेक करना है, लेकिन वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो यदि आपको मिल जाते तो आपको उसी का अप्लीकेशन करना है। और मैं एक आपको वेरीफाइड प्रोसेस बताता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे किसी भी अपॉर्चुनिटी को हमने ओपन कर लिया, यहाँ पे व्यू पे मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको जो मैंने एस्टेब्लिशमेंट कोड दिया था वो आपको कंपेयर करना है। तो देखिए 05 से स्टार्ट हो रहा है और 75 आखिर में, और यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने ये सैंपल लिया है, इसमें देखिए ये एस्टेब्लिशमेंट कोड अलग है और ये एस्टेब्लिशमेंट कोड अलग है। तो यदि आपको मिल गया औरंगाबाद के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, तो आपको ये एस्टेब्लिशमेंट कोड आखिर में कंपेयर करना है। यदि वो दोनों सेम रहते तो ही आपको अप्लीकेशन करना है, अदरवाइज आपको अप्लीकेशन नहीं करना है, क्योंकि वो ही औरंगाबाद के लिए रहेगा महा ट्रांसको का, तभी आपको अप्लीकेशन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो आपको ये एस्टेब्लिशमेंट कोड एक बार कंपेयर कर लेना है और फिर आपको अप्लीकेशन करना है। तो इस तरह से अप्रेंटिस सर्चिंग प्रोसेस थी। तो हमने वो प्रोसेस देख ली है। सपोज आपको यहाँ पे मिल चुका है और आपने अप्लीकेशन फिलअप कर भी दिया, तो आपको उसकी प्रिंटआउट निकाल लेनी है क्योंकि आगे उसका काम आपको लगने वाला है। तो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ पर एक फॉर्म दिया गया है, तो इसकी भी आपको प्रिंटआउट निकाल लेनी है और इसे आपको पूरी तरह से फिलअप करना है। इसमें आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है आपकी, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट कैटेगरी, आधार कार्ड का नंबर, 10th के मार्क्स, ITI के मार्क्स, आपका रेसिडेंटल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, और ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पे साइन करना है आपको। और उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप देख पा रहे हो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको इसको स्कैन कर लेना है, जैसे कि आधार कार्ड है, 10th की मार्कशीट है, 10th का स्कूलिंग सर्टिफिकेट है, ITI की मार्कशीट से, रिजर्व कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट फॉर EWS कैटेगरी, और अभी जो हमने अप्लीकेशन फिलअप किया था ऑनलाइन वो भी, उसको भी आपको क्या करना है, उसकी प्रिंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स और वो जो अप्लीकेशन है और ये अप्लीकेशन फॉर्म,
ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक ईमेल एड्रेस पे सेंड करना है। तो दिए गए इस ईमेल एड्रेस पे आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म, आपके सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके और वो जो एप्लीकेशन फॉर्म था ऑफलाइन वाला, ये तीनों चीज़ें आपको स्कैन करके कंबाइंड पीडीएफ बना के यहाँ पे सेंड करना है। तो आपके ईमेल एड्रेस से आपको इस ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देना है। कंबाइंड पीडीएफ किस तरह से बनाना है, यदि आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उसके ऊपर आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो गाइस इस तरह से प्रोसेस रहने वाली है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्रेंटिसशिप को सर्च करना है और ढूंढते रहना है, मिल जाती तो आपको एप्लीकेशन कर देना है। 31 तारीख के पहले आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो गाइस आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव रहूँगा। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, आपके साथ दोस्तों को शेयर करिएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।